मैं दिखाता हूँ आप लोग को हम लोग का हॉस्टल का टॉयलेट कितना साफ और नीट रहता है। दिखाते हैं, देखिए कोई कचरा नहीं। जैसे ये मैं पूछा, ये देखिए एकदम साफ सुरक्षा दिख रहा है ना। और क्या चाहिए हम लोग का फैसिलिटी। आगे तक देखते हैं, पूरा दिखाते हैं, इधर अंदर अंदर देख रहे हैं। टॉयलेट है उधर नहाने का, मेरा बैक साइड में ये सबसे पानी निकलता है। देखते हैं पानी भी चेक करते हैं। ये पानी निकल रहा है, ये बंद करना होगा, ठीक है। और क्या फैसिलिटी, ये इधर भी सब जगह सुरक्षा दिखेगा भाई। हम लोग यहीं पे नहाते हैं, नीट एंड क्लीन, सुबह शाम सब यही जगह साफ करने वाले एक्स्ट्रा आदमी यहाँ पे है। और हम लोग को कुछ करना नहीं पड़ता है, हम लोग सोते हैं फिर उठते हैं, ब्रश करके नहाते हैं, बस वही है। ये मेन गेट बाथरूम का, और उधर साइड है उसको भी दिखा देते हैं। एक ये हुआ, हम लोग इधर से आते हैं और उधर से भी आ सकते हैं, उधर से भी आते हैं। और दो गो है और यहाँ भी है, ये भी नीट एंड क्लीन। देखिए ये दो गो है, यहाँ और वहाँ, ठीक है। अब मैं दिखा दिया हूँ, अब आप लोग सोचते होंगे उन लोग कैसे रहता होगा, क्या नहीं करता होगा पब्लिक में, मतलब इतना पब्लिक मेंबर बहुत ज़्यादा है तो कैसे रहता होगा। वह सोच के परेशान रहता है ना। नहीं, हम लोग बहुत अच्छा से रहते हैं नीट एंड क्लीन में, कोई दिक्कत नहीं है हम लोग को। दो साल से रह रहे हैं यहाँ पे, ना यहाँ से कहीं जाने का मन करता है, कहीं भी नहीं। सब सूत्र सब दिया गया है, यहाँ पे पानी टंकी है और उधर में पानी जो दिख रहा लड़का, और ठीक है दिखा देते हैं वहाँ। ये थोड़ा साइड देख लीजिए, साइड साइड, ये इधर रूम है हॉस्टल का। का दोस्त अच्छा है ना। हर इधर में हरियाली झाड़ी झाड़ी है, गांव देहात जैसे यहाँ तो लगता है, काफी इंटरेस्टिंग कूल लगता है इधर। ज्यादा ज़्यादा अगर धूप देते तो हम लोग को यहीं पे राहत मिलता है, ये ऐसे जगह हरा भरा है, ठीक है। और ये सब थोड़ा थोड़ा फ्लावर्स भी है देखने को मिलेगा, ये ठीक है। और थोड़ा ये भी मिलेगा, ये भी मिलेगा, ये सब बात करें तो ये करंज है जो हम लोग का झारखंडी देहाती में मिलता है देखने को। थोड़ा सा और दिखाते हैं इधर, और ये मेरा मेहता यहाँ पे बैठा हुआ है, अभी टी टाइम पे यहाँ पे ऐस मौज कर रहा है। इधर भी हॉस्टल का ही रूम है, एक उधर था और एक इधर, ये ठीक है, इधर भी है। और वहाँ से फिर थोड़ा इधर जाके देखते हैं, मतलब हम लोग का ग्राउंडर ये इसका उधर अपोजिट साइड में किसी और का है, यानी कि दूसरा कंपनी बन रहा है वो। और हम लोग का ग्राउंड इस बाउंड्री से इधर ही है, ऐसे खुला वाला। और हम लोग स्पेशल ये टाई हुई बिछा हुआ है, हम लोग इसी में चलते हैं। और सो प्लेंट का बात करें, सो ट्री ये का बात करें तो ये सब छोटा छोटा हो गया, अभी काट दिया है। और फूल यहाँ भी मिलेगा देखने के लिए हम लोग का, यानी कि हॉस्टल के अगल बगल चारों ओर में फ्लावर्स देखने को मिलेगा। इधर ये ऐसे मतलब पूरा उधर से घुमा हुआ है, उधर से ऐसे घुमा हुआ। हम जा रहे हैं रूम, यानी कि एक साइड में सात गुट हो रहा है, ये एक हुआ, ये दो हो गया, फिर तीन हुआ, फिर यानी कि चार, मेरा 11 नंबर रूम है ऐसे। और आगे भी है 4, 5, 6, 7, वन साइड में सात गो है और इधर सात गो है। मैं अपना रूम में एंट्री मारता हूँ, ऐसे बेड है, ये मेरा बेड है।
ये जगह हम सोते हैं। मेरा दोस्त को दिखा देते हैं थोड़ा, प्रकाश दोस्त। हाय। कब आए? हम लोग का यहाँ पे कोई फैसिलिटी का कमी तो नहीं है? नहीं, एकदम नहीं है, एकदम बिंदास सब। पानी पानी से लेके लेटरिन बाथरूम से लेके सबका सुविधा मिलता है कि नहीं? मिलता है ना। तो हम लोग इसीलिए यहाँ पे हम लोग काम करते हैं, भले ही दूसरा कुछ मिलता नहीं मिलता है, कम वैसे उसका अलग बात है, लेकिन यहाँ पे सब अच्छा लगता है। दूसरा कंपनी के घूम के आ गया हूँ भाई इस कंपनी में रहने के लिए। डबल बेड भी है, ऊपर भी सो सकता है। फिलहाल इसमें कोई है नहीं, तो हम लोग ये सब झटर भटर सब रखा हुआ है। और देखिए उधर में आदमी है अभी पब्लिक। और बाल्टी इस तरह से मिलेगा, यह बाल्टी, यह हम लोग का परचेस किया गया नहीं है, कंपनी ने कुछ दिया है। देख आप लोग देख लिए ना, देख लिया भाई। गाइस लाइक सब्सक्राइब करना ना भूले, ये मेरा दोस्त है, बहुत मेहनत कर रहा है, आपका मेहनत रंग लाए, ये मेरा दोस्त है। बिल्कुल बिल्कुल, मेहनत पे रंग जमना चाहिए, पानी में ना फिरना चाहिए, क्यों? हाँ। तो इस वीडियो में इतना ही, और दूसरा कुछ बाकी अगल बगल मैं आप लोग को जो भी नया कुछ दिखता है तो आप लोग को बहुत जल्दी दिखाने वाला हूँ। दूसरा ब्लॉग यहीं तक खत्म करते हैं, लाइक कमेंट मत भूलना भाई, बाकी यूट्यूबर भी तो ऐसे बोलते हैं का दोस्त। हाँ, दोस्त। हाँ, टेक केयर, बाय बाय माय ऑडियंस।